दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने अपनी ट्रैकिंग सोनमर्ग से स्टार्ट की। ट्रैकिंग स्टार्ट करते समय अच्छी खासी धूप थी, लेकिन धीरे धीरे दो घंटे के बाद जब हम टेबल टॉप पर पहुंचे तो मौसम का नज़ारा कुछ बदल चुका था। हमने अपने पॉन्चोज यानी कि रेनकोट्स निकाल लिए और फिर अपने सफ़र को जारी रखते हुए हम आगे पहुंच गए 11,500 फीट की ऊंचाई पर अपने पहले बेस कैंप निचनई। शाम हो चुकी थी और ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, इसलिए हमने सीधा खाना खाया और अपने अपने टेंट्स में चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, हम और संजय अभी बीच में हैं। ये छोटा सा रिवर स्ट्रीम है एंड देन इस रिवर स्ट्रीम को क्रॉस करके हमको वो वहाँ पे जाना है। उसको क्रॉस करते हुए यू हैव टू क्रॉस दैट माउंटेन, सो हम अभी यहाँ से क्रॉस करेंगे इसको। वहीं पे आता होगा नेटवर्क ना, ये टॉप है, वो टॉप है। तो इस वक्त ये थोड़ा सा हॉर्स राइडिंग करते हुए, वैसे तो ट्रैकिंग करते हैं बट हमने हायर किया था तो हमने कहा हॉर्स का भी, पहाड़ी हॉर्स का भी मज़ा लें। ये हैं संजय भाई, कैसा लग रहा हॉर्स पे? मज़ा है। तो ना इसमें ये ध्यान देना पड़ता है कि सीधा देखें आप रास्ते को, आप ना देखें खाई पे भी, घोड़ा अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। शुरू शुरू में डर लगता है लेकिन आदत हो जाती है। जो बड़े घोड़े होते हैं वो यहाँ से नाकाम रहते हैं। जहाँ पीला टेंट लगा वहीं पे आएगा नेटवर्क, हो सकता है वहाँ आगे। अच्छा। आगे कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। अच्छा, चलिए आप लोग, हम लोग आ रहे हैं पीछे पीछे। हैं तो ये हम आ पहुंचे हैं बीच में और ये पीछे का व्यू। कुछ ट्रैकर्स वहां पहुंच गए, नीचे जाना है हमको अब क्रॉस करते हुए। तो अभी हमको वहाँ जाना है, हम आ गए हैं अपने सेकंड जो पड़ाव है वो कहीं उस पहाड़ी को पार करके। सो वी हैव कम हियर, देखते हैं हमारा जो गाइड है वो आगे यहाँ पहुँच चुका है। हम थोड़ा पीछे पीछे नज़ारे देखते हुए जा रहे हैं। ये है ब्यूटीफुल फ्रोजन ग्लेशियर, स्मॉल ग्लेशियर्स। ये यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हैं जो इतने हाई आल्टीट्यूड पर लगते हैं। दीज आर द फ्लावर्स।
डिसेंसर लेक जाते हुए कश्मीर ग्रेट लेक्स में बीच में ये झरना, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हियर। स्मॉल बॉटम फ्लो, वहाँ बीच से पानी निकल रहा है वहाँ पे। इसके बीच से जाता हुआ इधर ये आगे वैली में, और अभी हमें जाना होगा वैली के उस पार, वहीं पे हमारा सेकेंड नाइट का स्टे है, उसके बाद फिर एक और नाइट दर अनदर लेक। ऐसे करते करते कश्मीर ग्रेट लेक्स में कम से कम 7 लेक्स हैं, तो इट्स अ 7 नाइट 8 डेज ट्रैक, बट हमने उसे कस्टमाइज़ किया और छोटा किया है और 3 नाइट्स एंड 4 डेज का ट्रैक बनाया। तो बहुत ही अच्छा मेडोज है, इसमें तो नहीं दिख रहा लेकिन वहाँ पे दूर भेड़ें चर रही हैं बकर वालों की, वो वहाँ पे। ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स आ रहे हैं यहाँ पे, इनको क्रॉस करते हुए जाना है। संजय आगे चल रहे हैं। ये स्वाम्प है, स्वाम्प है, रहने दो। सो ये है ब्यूटीफुल वैली ऑन द वे टू विसनसर किसनसर लेक, और यहाँ पे शेपर्ड्स हैं बहुत सारे, उनकी भेड़ें चल रही हैं। यहाँ पे अच्छी घास होती है, जड़ी बूटी, तो इतनी ऊंचाई पे आते हैं ये। मज़ा आ रहा है ट्रैक में। इस ट्रिप का सबसे अच्छा रूट है ये, है ना? बहुत सारे बोल्डर्स पत्थरों को पार करते हुए, अब यहाँ पे आप लोग यहीं रहते हो? कब तक रहते हैं आप? कहाँ है आपका? अब सितंबर में घर जाएंगे। सितंबर में, तो यहीं पे चराने लाते हो इसको? 3 महीने के लिए सितंबर में रहोगे, और फिर जब बर्फ बर्फ गिरेगा ना, घर जाएंगे। तो आपका घर कहाँ है नीचे? पुलवामा में। पुलवामा,
तो फिर वहाँ पे क्या करते उस समय जब ये नहीं करते तो? पहले इतने सबको ये बेड़ू को घर, ये घर जमींदारों का बेड़ है। अच्छा अच्छा अच्छा, अपने में घर ले जाते सब बेड़। अच्छा, रात नीचे रहता है। अच्छा, तो यहाँ पर बहुत दूर हो गया, राशन पानी फिर कहाँ से लाओगे आप? घोड़े पे लाते हैं वो, वहाँ सोनमर्ग से ही। हाँ, डेली? ना डेली, एक महीने के बाद। अच्छा, एक महीने का स्टॉक रख लेते हैं यहाँ पे, एक महीने फिर लाते हैं ना। और यहाँ के बाद? हाँ, चलो सही है यार, थैंक यू। तो ये ट्रैक पूरा पूरा दिख रहा है, क्लियर ना? वहाँ पर अनक्लियर क्लियरिटी नहीं थी ना। हाँ, नाउ वी कैन स्टे स्टे बैक। अब तो सीधा वैली है, उस गड्ढे में है ना वो, मुझे लग रहा है लेक, वो सफ़ेद सफ़ेद सा जो है वही है, वो सब उधर जाना है हमें यहाँ से भी। तो ये हम पहुंच गए अपने सेकेंड नाइट के स्टे में, ये हमारा टेंट इस्टेब्लिश हो रहा है, ये किचन टेंट, और यहाँ पे और भी लगे हैं, आई थिंक ये इंडिया हाइक्स का है, ये टेंट है। ये हमारा कैंप लगा है, पर बारिश रुकी है, हमें यहाँ लेक में जाना था, अब सीधा टेंट की तरफ। बिसनसर किसनसर लेक के वहाँ टेंट तो बंद है, बाहर हो गई है बारिश, फिलहाल बारिश हो रही है तेज, देखने जा रहे थे लेक लेकिन ये हुआ बंद। भीग गए क्या? बच गए? तो ये है हमारा छोटा सा आशियाना। ओहो, कल बारिश ना हो भाई, कल देख नहीं पाएंगे फिर पूरे। अभी आके रेस्ट करते हैं, बारिश का मज़ा लेते हैं। सो हम जा रहे हैं अभी बिसनसर लेक, उधर हमारा ये सेकंड हॉल्ट है, सेकंड नाइट, यहाँ लगे हैं कैंप्स, बहुत से अलग अलग ग्रुप्स हैं, हमारा भी यहाँ पे ये वाइट वाला और ग्रीन वाला है। और यहाँ पे जो कैंपिंग साइट है वो उतनी क्लीन भी नहीं है, चारों तरफ यहाँ पॉलीथीन बिखरे हुए हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ भी हम रैपर्स या पैकेट लाएँ वो ले जाएं। देखिए ये कितना अंदर है, ये ब्यूटीफुल ग्लेशियर लेक्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्लास्टिक जितने भी कैंपिंग में आते हैं ये सब जगह पड़ा हुआ है, ये पूरा प्लास्टिक पड़ा हुआ है, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, वो कैंपिंग साइट के आसपास भी पूरा प्लास्टिक पड़ा हुआ है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सबके सब हम वापस उसको ले जाएँ वहाँ कलेक्ट करके, पिट में दबा देते हैं, लेकिन वो पिट में ठीक से नहीं दबाया जाता है और वो कोई भेड़ बकरियां आती हैं उसको खोलती हैं और वो बिखर जाता है। बारिश आएगी क्या? शायद शायद, मौसम क्लियर तो हो गया उधर, मौसम तो क्लियर है लेकिन पहाड़ों में बाबूजी मौसम का कोई ठिकाना नहीं होता। ये देखिए ये टेम्प्ररी गुज्जर हट्स, इसके ऊपर टारपोलिन डाल दिया जाएगा, फिर 3-4 महीने रहेंगे एंड देन वापसी अपने बेस पे। ये सोलर पैनल और वो कैंपिंग ग्राउंड है उधर। तो यह है विष्णु सागर लेक, कश्मीर ग्रेट लेक्स का पहला लेक। वहाँ पे दूर भेड़ बकरियाँ चर रही हैं। ग्लेशियर से पानी इधर आ रहा है, इस लेक में जमा हो रहा है, इस लेक से यहाँ पे ये छोटा सा स्ट्रीम बन के नीचे गिर जाएगा। Oh, I can set this.
कैसी रही आज की सुबह? बहुत अच्छी, मजा आ गया। मजा आ गया। जा रहे हैं ऊपर किशन सर लेक देखने के लिए, दूसरे लेक के। ये पूरा टेंट साइट सुबह सुबह, ये है हमारा टेंट सुबह सुबह। अभी तो पैकिंग शुरू है नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। देखने में छोटा लगता है लेकिन दो लोगों के लिए ठीक है। ये मैटिंग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, और ये ऑलरेडी टेंट का ऐसा होता है कि यहाँ से कोई इंसेक्ट पेस्ट या कुछ भी स्नैक्स वगैरह नहीं आ सकते, ऑलरेडी पैक्ड होता है चारों तरफ से। उसके बाहर ये लेयरिंग होती है ना, तो इसको ऐसे यहाँ हुक लगा देते हैं यहाँ पे पूरा, और जूते वूते सारा यहाँ बाहर, उसके बाद यहाँ से क्लीन करके अपना अंदर बैठ जाते हैं।